ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उसको पढ़ाया जाता है। इम्यूलेटर है आपके पास 8086। अच्छा, इसके अंदर है क्या हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं? अब पहली बात ये इसका ओवरव्यू देना है। एडिटिंग के लिए हमारे पास फाइल होती है .asm फाइल होती है एडिटिंग के लिए, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और वो ASM फाइल होती क्या है, उसके माने ही असेंबली लैंग्वेज है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एडिटिंग के लिए सोर्स फाइल। एक होता है ऑब्जेक्ट फाइल, सही है। ऑब्जेक्ट फाइल हमारे पास एक असेंबलिंग के लिए यूज होती है, और उसको जो .obg कहते हैं, उसको exe फाइल जो कि लिंक करती है और एग्जीक्यूट करवाती है, उसको .exe फाइल कहते हैं। और एग्जीक्यूटिंग हमारे पास आउटपुट के अंदर भी आ रहा होता है, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट के अंदर भी आ रहा होता है। और सही है, आप इसको अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर आप नमाज के मगरिब की नमाज से बात कर लो तो, या मुझे मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो मुझे, ठीक है मेरा बेटा। ओके अल्लाह जी। हाँ वाह, अब मैं बता ही रहा था कि चार चीज़ें हैं जो आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है समझनी है, सीखनी है। तो इसमें जो पहली चीज़ है एडिटिंग के लिए सोर्स फाइल होती है, दूसरी असेंबली के लिए ओबीजी फाइल है, तीसरी क्या है लिंक करने के लिए एक्सी फाइल है, और चौथी एग्जीक्यूटिंग के लिए आउटपुट फाइल है। यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो आपने असाइनमेंट के अंदर ही चीज़ों को लगा कर मुझे देना है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, मगर इम्पॉर्टेंट मिड टर्म के लिए नहीं है, मिड टर्म की मैंने अभी तैयारी करवा दी है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, सही। तो माइक्रो प्रोसेसर का, हाँ सर, ये असाइनमेंट कब देना है? आफ्टर मिड टर्म। ओके सर, सही है। तो आपके पास आफ्टर मिड का आपका असाइनमेंट जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ, कह भी देता हूँ सवाल क्या क्या है इसके अंदर, और टॉपिक का नाम है आफ्टर मिड, ठीक है। इसके अंदर आपके पास चीज़ें क्या क्या होंगी, पहली चीज़ जो आपको यहाँ बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आपके पास जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, सही है। तो आपके पास क्या है, How many steps are involved to convert source code into output? ये कितने steps होते हैं ज़रा बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए कितने steps होते हैं इसमें, आंसर में क्या आएगा? चार होंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, चार स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल सही, इसमें ये सारों के नाम आ जाएंगे। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं असेंबलिंग द प्रोग्राम। असेंबलिंग द प्रोग्राम के मतलब है कि हमारे पास असेंबलर प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल दैट हैज द सेम नेम एज ओरिजिनल फाइल। जो जिस फाइल का सेम नाम होगा उसको हम कहेंगे ओबीजी फाइल, उसको हम कहेंगे ओबीजे फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल होती है हमारे पास जिसको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास लिंकिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिंक करना, प्रोग्राम को बनाना, इसको आउटपुट की तरफ लेके जाना, और या मैप करना, एक ही बात है। जो लिंकर होता है और लिंकर बनाता है उसको फिर एक्सी फाइल बनाता है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के माने क्या है हमारे पास, मैं आपको कल चला कर दिखा चुका हूँ, आप देख चुके हैं क्या नाम था मैंने उसका, EMU के अंदर आपने देखा था प्रोग्राम कैसे चला था हमारे पास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चीज़ों को बता भी देता हूँ, EMU ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको दिखा देता हूँ हाउ इट वर्क्स। ये रहा EMU, मैं EMU ओपन कर देता हूँ, ये रहा EMU 8080, ये आपके पास फाइल ओपन हो गई। अब फाइल के अंदर आपने गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जाने के बाद आपने कर दिया उसको एड एंड सब्ट्रैक्ट। एड एंड सब्ट्रैक्ट के अंदर आप गए तो आपके पास पहला कोड जो लिखा हुआ है वो ORG 100 हो गया मूव। आपने 5 की जो वैल्यू थी वो AL के अंदर मूव की। हम लैब नंबर 2 कर रहे हैं, मिड टर्म के बाद की बात कर रहे हैं। आपके पास क्या है, मूव AL, यानी कि आपके पास जो रजिस्टर है हमारे पास A, उसके लोअर पार्ट के अंदर 5 को मूव कर दो, और आपके पास जो रजिस्टर है B, उसके लोअर पार्ट के अंदर 10 को मूव कर दो, और ऐड करवा दो BL और AL को ऐड करवा दो, सब्ट्रैक्ट करवा दो BL में से एक वैल्यू कम कर दो, और रेड के माने रिटर्न करा दो। ये प्रोग्राम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको बताइए पहली लाइन में क्या होगा, आप बताइए ज़रा।
जी बताइए जरा, पहली कमांड क्या कर रही है भाई साहब? पहली कमांड क्या कर रही है? ओ आर जी 100H, ये आपके पास ऑर्गेनाइज कर रही है 100H, इसकी वैल्यू है। इसमें आपने करना क्या है, दो काम करने हैं आपको। ए रजिस्टर के लोअर पार्ट में 5 को मूव करना है, बी रजिस्टर के लोअर पार्ट में आपको 10 को मूव करना है, और ऐड करवाना है बीएल को और एएल को। अच्छा, इसमें आपके पास एएल की वैल्यू बीएल में चली जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करते हैं BL1, टोटल में से एक निकाल दें और जवाब बता दें। मैं इसको चला कर दिखा रहा हूँ, पहले मैं कंपाइल कर रहा हूँ उसको, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने सेव करवा दिया, ओके। और उसके बाद देखें लिखा हुआ आ गया इसमें, आप प्लीज माइक से अपनी सांसें दूर कर दें प्लीज। जिसको सांस का मसला है माइक से अपनी सांसों को दूर कर दें। अच्छा, उसके बाद क्या रहे, हम इसको रन करवाएंगे, और रन करवा के हमने यह देखा कि यह प्रोग्राम रिटर्न हो गया, और रिटर्न होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है रिटर्न होने के बाद, AHAL आपके पास कितनी वैल्यू थी, 10 में 5, 15 ऐड करना है, 15 में से आप एक निकालेंगे तो 14 आना चाहिए जवाब। तो 14 के माने हो गए ABCD। तो वहाँ पर AH के अंदर वैल्यू आ रही है 5, ये देख लीजिए ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, या फिर एज के अंदर 5 वैल्यू, ये देखें ये रही वैल्यू 5, ये देखें ये रही वैल्यू 5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो हमारा बी की वैल्यू आ रही है, BST। तो बी के अंदर आपने 10 वैल्यू डाल दी, सही है। तो आपके पास 10 और 5 ये हो गया 15, सही है। तो 10 में आपने 5 को ऐड किया, हो गया 15। अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 15 को जो हम लिखते हैं वो लिखते कैसे हैं। आप जब 15 के माने ये हो गए आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, जो 10 होता है हमारे पास उसको हम ए कहते हैं, 10 को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसके बाद 11 को हम कहते हैं बी। अच्छा, 12 को क्या कहते हैं, हम सी कहते हैं। 13 को क्या कहते हैं, 13 को कहते हैं सी डी। 14 को कहते हैं आपके पास ई, और 15 को कहते हैं एफ, ऐसे ही है। मुझे आपको बताना है आपका जवाब सही आया है कि गलत आया, वो समझाना है मुझे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, इसकी ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ पर वो वैल्यू मौजूद है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। यहाँ देखें ए की वैल्यू आ रही है 5, और ये देखें ये पड़ी ए की वैल्यू 5, ये देखें ये रही वैल्यू 5। ये वैल्यू लो रजिस्टर के अंदर 5 की वैल्यू है, देखें लो रजिस्टर के अंदर 5 की वैल्यू है। ये हमारे पास बी लो, बी लो के अंदर वैल्यू ई पड़ी हुई है। अब बताइए ई के माने हो गए 14, जब 10 में 5 आप ऐड करोगे जवाब क्या आएगा बताइए ज़रा। आप जब दोबारा बोलिए, 10 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा ना हमारे पास, और 15 में से एक, 15 में से एक निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। बिल्कुल सही, 14 आएगा। अब बताइए यहाँ 14 के आगे अल्फाबेट कौन सा लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है, यस। इसका मतलब असेंबली ने सही कंपाइल करके दिया है हमें। अब आपका आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये कोड जो है मुझे समझाना है, पेज के हिसाब से मुझे बताना है कि इसके जवाब क्या आएंगे, सही है। दोबारा बताओ सर, एक बार फिर से बताओ। अच्छा, आपका कोड क्या है, ये कोड है, सही है, ये कोड है। आपने कोड लिखा ऑर्गेनाइजेशन ओ आर जी 100H लिखा, मूव ए एल, ए एल के अंदर आपने 5 मूव कर दिया। जब आपने ए एल के अंदर 5 मूव किया तो उसका प्रूफ कहाँ पर है, आपके यहाँ यहाँ देख सकते हैं आप, सॉरी यहाँ देख सकते हैं कि ए एल, ये रहा ए एच है और ये ए एल है,
एल के अंदर पांच आ गया, ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना? जी सर, है ना, यस पांच यस। है। हाँ उसके बाद क्या, बी एल के अंदर क्या लिखा हुआ है? बी एल के अंदर लिखा हुआ है जी ई, ई लिखा हुआ है। ई कहाँ से आ गया? आप ये देखें कि हमारे पास टेन, टेन के माने हुए कि ये ए बना, टेन के माने क्या बने, ये ए बना। फिफ्टीन आप टेन में आपने 15 को 5 को ऐड कर लिया तो बना कितना? 15, सही है। अच्छा अब हमने क्या किया, टेन में हमने 5 को ऐड किया, 15 में से एक निकाला, बचा हुआ 14। अब आपके पास 15 में से 1 निकाला 14, इसका मतलब क्या हुए कि आपके पास 14 के आगे अल्फाबेट क्या लिखा है? ई। हाँ 14 के आगे ई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ई, यानी कि ये भी ई है ये भी ई है। इसका मतलब कैलकुलेशन असेंबली लैंग्वेज ने सही करके दी है आपको, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर। सही है। अब ये आपने कोड समझाना है मुझे, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये जरा मुझे बताइए कि किस तरह से चलेगा, क्या होगा, क्या कुछ है, ये आप मुझे बताना है मुझे, ठीक है? ठीक है सर। सही यस है। सर। अच्छा ये कोड है हमारे पास और ये मैंने इसको करके दिखाया है कि किस तरह से इसका क्या जवाब आ रहा है। अब आपने पहली लाइन समझानी है, पहली लाइन क्या करती है, दूसरी लाइन क्या करती है, तीसरी लाइन क्या करती है, चौथी लाइन क्या करती है, पांचवी लाइन करती है, छठी लाइन क्या करती है, ये आपने बनाना है। बनाने के बाद मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ गूगल क्लास के अंदर, आपने इस पर रिटर्न करना है। पहले मैं असाइनमेंट खोल दूँ, सही है, मैं गूगल क्लास के अंदर असाइनमेंट खोल देता हूँ। आफ्टर मिड ये अभी करके भेज दीजिएगा मुझे, अभी ये मुझे अभी कर दीजिएगा, हाथ के हाथ ही कर दीजिएगा। क्या हाथ के हाथ करना है? अभी के अभी कर दें ये। ये हो गया असाइनमेंट, ठीक है, तो आपने करके मुझे दे दें आप, मैं जब तक मीन वाली नमाज पढ़ लेता हूँ। ओके बात समझ में आ गई, असाइनमेंट जो है कहाँ खुला हुआ है, ई एम यू कहाँ खुला हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ खुली हुई। ठीक है, ये मेरा बच्चा, इसका स्नैपशॉट ले लें और आप उसमें कर लीजिए बैठ के। सर आया नहीं अभी तक बेटा, 55 पे लोड हो जाए, अपडेट हो जाएगा 55 पे, 655 पे आ जाएगा। ओके सर। चेक कर लें अभी, मैं ऐसा करता हूँ क्लास नमाज के लिए ऑफ करता हूँ, सही है, नमाज के लिए क्लास को ऑफ करता हूँ। मीनवाइल असाइनमेंट बना के मुझे अपलोड कर दीजिएगा और फिर हम मिलते हैं तकरीबन तकरीबन नमाज सवा से, सात पे सर। हाँ नमाज के बाद मिलते हैं, ठीक है मेरा बेटा, 7:15 पे, 7:15 पे। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद जो है तकरीबन फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा, बैक टू बैक मीटिंग भी चल रही होती है हमारी, ठीक है, तो यहाँ अभी अभी जो दिया था। हाँ सर, ये तो अभी आप क्लास के बाद दे दें सेंटर। हाँ हाँ क्लास के बाद दे दें, चलो ठीक है। अच्छा अब मुझे कुछ प्रोग्राम समझाने हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम तो आसान समझ में आ गया था, ऐसा है या नहीं है? जी सर। ओके तो प्लीज़ ये अहमद का मसला है, ये अहमद के माइक का मसला है, ये
सर अहमद का वही से आ रही हूँ वैसे। अच्छा यहाँ पे हम कुछ पढ़ रहे थे, इसमें ये है हमारे पास कमांड्स है असेंबली लैंग्वेज की। इसमें करना क्या है, पहली बात ये कि इसमें एक कमांड है मूव, इसमें एक कमांड है मूव, मूव एक्स कोमा बी एक्स। इसमें हो क्या रहा है हमारे पास कि बी एक्स के कंटेंट जो हैं वो मूव हो रहे हैं ए एक्स के अंदर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हाँ अहमद जी सर, किस पे बैठ गए तुम? सर मैं तो कमरे में बैठा हूँ, और किस पे बैठूंगा? तो पंखा चलाया हुआ है, क्या किया हुआ है? पंखा ही चल रहा है सर। तो पंखे के आगे बैठ गए क्या? इतनी आवाज आ रही है, इतनी आवाज आ रही है। नहीं पंखा छत, पंखा तो सर छत पे लगा हुआ है, मैं छत पे तो नहीं बैठूंगा पंखे के ऊपर। तो इतनी आवाज क्यों आ रही है? सर पंखे की आवाज नहीं है, पंखा तो स्लो है, तो उसकी आवाज ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अपना माइक म्यूट कर दो ताकि हम पढ़ लें। सर मैं म्यूट कर देता हूँ, आप मुझे असाइनमेंट का बता दें किस तरह का। जी को बता दें असाइनमेंट का बता दें, देखें वो वाली बात है। असाइनमेंट को बता दें क्या करना है इनको। सर समझ नहीं आ रहा। अरे वाह यार गुड, अब्दुल रहमान से मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे भी नहीं पता। अरे वाह बिल्कुल बेहतरीन। आप लोग जॉब, अच्छा आप ये बताएं आप जॉब करेंगे या अपनी दुकान खोलेंगे? सर मैं जॉब करूंगा इंशाल्लाह। जॉब करेंगे ना, तो आप इस दिमाग के साथ तो जॉब करना मुश्किल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो आपको कहा जाए उसको आप सुने। आप नहीं सर, असल में नहीं सर, असल में आपकी आवाज़ भी बहुत हैंग हो रही थी। आप बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ हैंग हो रही है, मैं समझूंगा कैसे? अभी भी हैंग हो रही है क्योंकि आपके माइक का मसला है। पूरी क्लास को आपकी आवाज़ जो है ना इतनी ज़्यादा वो अनोइंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। आप पूरी क्लास कह रही है अहमद के माइक का मसला है, अहमद के माइक का मसला है, अहमद के माइक का मसला है। आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, उसमें लैब नंबर 2 है, और लैब नंबर 2 में आपको उसकी कमांड्स को समझाना है, बताना है, आउटपुट को समझाना है, कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे। मैंने कहा था स्नैपशॉट भी ले लें उसका, तो मैंने बताया आपको स्नैपशॉट भी ले लिया आपने। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? स्नैपशॉट तो मैंने लिया था, बस लिया है जो स्क्रीन शो हो रही थी उसका स्नैपशॉट। बस अब आपने ये चीजें करनी है बैठ के, और कुछ नहीं करनी है। ठीक है ठीक है सर। और अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लें, आपकी बाहर ऐसी क्लास है जिसमें इतनी ज्यादा नॉइस होती है। ओके अब हमारे पास हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, कमांड्स को पढ़ना है। और कमांड्स को पढ़ने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको असेंबली की कमांड्स की लिस्ट बताऊंगा और दूंगा भी कि जिसमें जिसके माने क्या हो गए। सही है, तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको कमांड्स की लिस्ट भी दूंगा और ताकि आप उसको स्टडी कर सकें। ठीक है मैं इसको शेयर करवा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है हमारे पास? नहीं है। अब स्क्रीन शेयर, ये देखें आप, ये कमांड है हमारे पास। इस कमांड का जो नाम है वो आपका मूव है ए एक्स कॉमा बी एक्स। सही है, इसमें क्या है, मूव एक कमांड है जो कि एक जैसे बोलते हैं रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कंटेंट कॉपी कर रही है। कॉपीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी एक्स टू ए एक्स। इसमें बी एक्स की वैल्यू ए एक्स में जा रही है, बी एक्स की वैल्यू ए एक्स में जा रही है। इसका काम है मूव कमांड है इसके अंदर। दूसरा एड ए एक्स कॉमा बी एक्स, इसमें हो क्या रहा है कि एड द कंटेंट ऑफ एक्स एंड बी एक्स एंड सेव रिजल्ट इन एक्स। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें रिजल्ट होता है सेव, इसमें ये वाला पार्ट। सही, मैं आपको बताया था, इसमें ये वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर रिजल्ट सेव होता है। ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर रिजल्ट सेव होता है, इसमें इस वाले पार्ट के अंदर मूव होता है। ये आपने याद रखना है। आपसे असेंबली में कोई पूछा जाए, इसमें सेव नहीं होगा कभी भी, इसमें सेव नहीं होगा, इसमें सेव नहीं होगा, सेव होगा इसके अंदर। ठीक है गॉट द आइडिया। ये वैल्यू आ रही इंटरप्ट 21H। सही, कंट्रोल ये करता क्या इंटरप्ट के, आपका कंट्रोल वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स कंट्रोल। सही,
यहाँ पे क्या कर रहा होता है, इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द यूजर, सही है, ये यूजर को कंट्रोल वापस कर देता है, इसका नाम है इंटरप्ट 21H, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास स्टैक 100H, वहाँ पे ORG 100H है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है ORG 100H, ये लिखा हुआ है, इसके माने ये स्टैक का साइज बताता है कि एक स्टैक का साइज 256 बाइट्स होगा, ये बताता है स्टैक का साइज जो है आपके पास क्या होगा 256 बाइट्स होगा, सही है, ये आपको बता रहा होता है। ओके, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह से हैं, किस्सा हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर वही हैं। आप बताइए आपको कुछ पूछना है मूव कमांड के मुतालिक, कुछ पूछना है आपको मूव कमांड के मुतालिक, कोई क्वेश्चन है मूव कमांड के मुतालिक? सर इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा? आपके पास क्या है, मूव के बराबर में जो लफ्ज लिखा होगा उसी में डेटा मूव होगा, अगर मूव के बराबर में लिखा हुआ है bx, cx तो bx में डेटा जाएगा, अगर लिखा हुआ है मूव ax, bx तो ax में डेटा जाएगा, इस तरह लिखा हुआ है एड ax, bx तो ax के अंदर वैल्यू एड होने के बाद जाएगी। इंटरप्ट 21H क्या करता है, कंट्रोल वापस यूजर को दे देता है। अब ये तीन कमांड्स हैं, इसका स्नैपशॉट लीजिए, आप असाइनमेंट के अंदर डालें, लिखें, मैं मीटिंग से वापस आ रहा हूँ, आपका काम देखूंगा, चेक करूंगा, आज ही की डेट के अंदर असाइनमेंट आपने देना है, उसके मार्क्स भी हैं। ये असाइनमेंट काउंट होगा आपके पास कब, मिड टर्म के बाद काउंट होगा, ठीक है सर, जैसे ही करा हुआ वैसे ही करके दे। हाँ, कॉपी भी लिख के, हाथ से लिख कर जो है वो जमा करवा दें इसके अंदर। ओके, गॉट द आइडिया, ठीक है सर, ये पूरा प्रोग्राम वन करके देना है ना आपको? नहीं नहीं, सिर्फ ये वाला, और जो प्रोग्राम जो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये पूरा प्रोग्राम आपने लिखकर मुझे बताना है कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, और इसमें आपने बताना है कि आपके पास की वैल्यूज कैसे आ रही हैं, बस ये आज की डेट के अंदर काम करना है मुझे, उसके मार्क्स हैं, मैं आपको मार्क ग्रेड कर दूंगा आज ही की डेट के अंदर, तो आप ये मुझे अभी करके दे रहा है, मैं मीटिंग से वापस आ रहा हूँ, आपका काम टाइम शुरू होता है अब, और मैं आ जाऊँगा 7:45 तक, ठीक है? ओके, 7:45 तो दोबारा क्लास, हाँ दोबारा शुरू हो जाएगी क्लास, ठीक है? यस सर। ओके, सर मीटिंग कैंसिल नहीं करें आप लोग? नहीं नहीं, मैं दूसरी मीटिंग कैसे जाऊँगा मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह। जो शीट आपने कंपाइल की है ना, आप कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी का इमरान साहब को भेज दो, तलहा को आप अलग से भी टेक्नोलॉजी का भेज दो, और वासिफ को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बेटा, और इस्लाम को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है? दो वहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, ठीक है, इनको आप भेज। वालेकुम अस्सलाम अदनान, क्या जबरदस्त काम किया भाई, 6 पेपर सबमिट करवा दिए। जी जी मैडम, मैंने आपसे वादा किया था। एक्सेलेंट, अल्लाह ताला खुश रखे आपको भाई, बड़ा जबरदस्त काम है, मुश्किल काम था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैडम, लैब्स भी करवा रहे हैं आपसे, स्टूडेंट की लैब चल रही है इस वक्त कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर की, तो लैब नंबर 2 है, मैंने लास्ट वीक आपसे वादा किया था कि मैं लैब करवाऊंगा, लास्ट वीक लैब 1 हो गई थी, आज लैब 2 करवा रहे हैं,
EMU 8086 पे वो करवा रहे हैं, बच्चे सारे सेट हैं, बढ़ रहे हैं। आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, काफी चेंज बहुत अच्छा होता जा रहा है, वो जो आपका फोकस है वो फीडबैक से पता चल रहा है। इमरान अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास ली थी, आज मेरी मेकअप क्लास थी मॉर्निंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें भी बच्चों को प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया और उनको लैब मैनुअल, इवन लैब मैनुअल मैंने उनको दिए जिनके 1-5 लैब थे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैंने उसी में से असाइनमेंट भी दिया, उसी में से मैं उसको पढ़ाया, तो उसमें क्विज भी मैंने करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सारा माशाल्लाह। इमरान, मैं आपको मतलब प्लेटफॉर्म पे कहूँगी कि जो हमने उम्मीद और वह ख्वाहिश थी ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, माशाल्लाह वो आप लोग पूरी कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है क्या, कहेगी सारी टीम? जी 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 बिल्कुल मैम। हाँ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेशन है, बहुत थैंक्स कहूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म में मिस सईदा का, कि मैं जब भी कॉल करता हूं, मैं खाता हूं तो नो डाउट ये बड़ा साथ देती है और अच्छे अंदाज में मुझे मुझे गाइड करती है। थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और बिल्कुल, और यहां पे बहुत जूनियर लोग भी हैं, सीनियर भी हैं। मैं आपको बताऊं, सईदा का एटीट्यूड सबसे एक जैसा रहता है, मतलब वो किसी का काम भी ये सोच के इग्नोर नहीं करती कि अभी वो कोई जूनियर टीम मेंबर है या किसी को ऑब्लाइज करूँ। मेरे ख्याल में हर एक को वो एक तरह से फैसिलिटेट कर रही है माशाल्लाह से। हर आदमी यही कहता है कि फौरन वो रिजॉल्व करके देती है। सईदा वेरी वेल डन, मैं आपको बताऊँ, आपने बहुत सारी चीज़ों का बोझ बड़े कंफर्टेबली उठाया हुआ है माशाल्लाह। प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, ठीक है मेरा बेटा। ओके, हम पढ़ना चाह रहे थे आज की डेट के अंदर। बताइए आपको माइक्रो प्रोसेसर मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? जी, आपको ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? सर मुश्किल भी और आसान भी है, दोनों है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? मुश्किल है सर, मुश्किल मुश्किल है। अच्छा क्या चीज मुश्किल है, चलो यही बता दे मुझे। सर लैब नहीं समझ आ रही। लैब समझ में क्या नहीं आ रही मुझे बता दे। पांच लाइनें हैं और पांच लाइनों के अंदर भेजना मुश्किल हो रहा है। कैसे भेजें सर? क्या भेज दें भाई? अपने घर वालों को बोले मैं पढ़ रहा हूँ, चुप हो जाओ। जी क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे भेजें सर? आ ही नहीं रही सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी बोले, जी बोलिए। आपका सवाल क्या है भाई, मुझे पढ़ाने दो फिर आगे सवाल तो पूछो। सर इन लोगों को लैब समझ नहीं आ रही ये कह रहे हैं लोग। अब भाई लैब में समझ में क्या नहीं आ रहा, सवाल ये है ना सर। ये पता नहीं कौन बोल रहा था, मैं यही तो पूछ रहा हूं, उसको सवाल समझ नहीं आ रहा भाई। वो पूछे तो क्या समझ में नहीं आ रहा। अहमद आवाज नहीं आ रही सर, कैसे भेजूं, आवाज नहीं आ रही सर। आपने माइक बंद किया हुआ है अपना, आईफोन ये देखें बंद हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है आपने। आप इसको करेंगे तो आवाज आएगी ना, मुझे ऐसे कैसे आएगी? सर आप सबको अनम्यूट कर दें भाई। खुला हुआ है ये देखो, ये रहा खुला हुआ। बोलो क्या सवाल है? आईफोन सर आगे बोल दो यार, तुम तो क्या बोलूंगा मैं, चुप। बच्चों के साथ खेल रहे हो तुम, बताओ पढ़ाई क्या होगी तुम्हारी? अच्छा मैं आगे चल रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। और मैंने लैब नंबर 2 पढ़ा दिए। लैब नंबर 2 के अंदर करना क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं 5 और 10, उनको ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करना है -1।
अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कोड को खोलूँ मैं, और खोलने के बाद मैं ऐसा करूँ कि तीन नंबर्स को मैं ऐड करवा दूँ, ठीक है? तो मैं कैसे करवाऊँगा, मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सर 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 जी सर, ये अभी जो आपने बोला था ये करके दिखाओ, ये हम किस पे करें, एमुलेटर पे करें? आपने हाथ से लिख कर देना है मुझे, ये एमुलेटर में कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए आपके पास वेब पर, ताकि आपको मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वरना इसका लिंक भेज दूंगा मैं। और ये कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है? इसको सॉफ्टवेयर शेयर करवाने का कोई टेक्निक निकला है, और यूनिवर्सिटी में ये पढ़ी हुई सॉफ्टवेयर, अगर कोशिश करूँगा कि वहाँ से कुछ ना कुछ हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं करवाना चाह रहा हूँ इस जैसी ही दूसरी लैब, लैब नंबर 3, इसमें हम करवा करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हमारे पास एक, हम 5 के बजाय आप बताएं कोई और नंबर लिख देते हैं, लेट से हम यहाँ कर देते हैं 5 के बजाय लिखते हैं 3, ओके? और हम यहाँ पर कर देते हैं 7, और हम यहाँ पर कर देते हैं 3 + 7 हो गए कितने, 11, 11 में से आप निकाल दें 1, 2 निकाल दें, तो आपके पास आना चाहिए 9 जवाब आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एस, और सेव एस करने के बाद मैं कर देता हूँ 2 sample_3। यहाँ पे 3 नंबर है, मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। सेव करवाने के बाद को चलाऊँगा मैं, आपने करना क्या, देखना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब मैंने क्या किया, इसको कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करने के बाद इसने बोला क्या करूं, मैंने कहा इसकी बाइनरी फाइल बना दो, और इसने प्रोसेस कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, जवाब आना चाहिए 9, जवाब क्या आना चाहिए, जवाब क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसने यहाँ पर रन किया, रन करने के बाद इसने यहाँ बताया, सही है? तो आपके पास 3, पहली बात ये 3 और 7 हो गए 10, और 10 में से 2 निकाले हमारे पास होगा 8। ये देखें, ये जवाब आ रहा है 8, ये देखें, यहाँ देखें, ये जवाब आ रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि आपके पास हुआ क्या, इसने 256 बाइट्स ऑर्गेनाइज की, इसने हटेटैच ने AL की वैल्यू 3 में चली गई, देखें ये लिखा हुआ थी, AL 3 में वैल्यू आ गई। उसके बाद BL की वैल्यू 7 इसने क्या किया, हमारे पास दोबारा गई, BL के अंदर हो गया 7, यानी इस वाली वैल्यू के अंदर 7, आपने क्या किया 3 और 7 को ऐड किया, हो गई वैल्यू 10। तो ये 10 में से आपने निकाल दिया 2, तो बचा क्या 8, ये देखिए 8 आ रहा है, नहीं आ रहा 8, सही है? अब आपने ये, अब आपने, हाँ, अब आपने ये कोड जो है समझाना है मुझे पेपर पे लिख कर एज असाइनमेंट के तौर पे। जी ठीक है सर, जरा बेटा करके दिखा दो, सर टाइम तो देते हैं 2 मिनट। हाँ बेटा मैं दे रहा हूँ, 8 बजे तक दे दो मुझे, 8 बजे तक मैं हूँ यहाँ पर। सर बस मैं दे रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास जो लैब है वो है लैब नंबर 3। उस लैब नंबर 3 के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास 256 बाइट्स गाइस, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास कि हमारे पास जो है 256 बाइट का हमने एक जो है प्रोग्राम बनाया है, और ORG 100H जो है हमारे पास मौजूद है, और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें कि हम उसकी स्पेस बता पा रहे हैं, ओके? नंबर 2 जो है हमारे पास पार्ट है जिसको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो आपके पास क्या है, आपने जंप स्टार्ट किया, आपने इस चीज़ों को शुरू किया, लूप लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और लूप के अंदर आपने बताया 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 आपने 5 वैल्यूज़ बताई, आपने कितनी वैल्यू बताई, 5 वैल्यूज़ बताई, 5 अकाउंटर है इसमें,
उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास एक सिंबल मौजूद है, उसको कहते हैं CL,5। सी जो है हमारे पास रजिस्टर, वो काउंटर के लिए होता है, उसको CL कहते हैं, और डी हमारे पास डेटा के लिए होता है, तो हम उसको DX रजिस्टर कह रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। आपने लिखा CL,5, आपने लिखा AL,5, आपने AL के लो रजिस्टर के अंदर वैल्यू 5 डाल दी, 0 डाल दी, और SI जो है हमारे पास, सही है, क्या चीज सर, SI मीन मैंने भी बताया गए, अभी कहाँ बताया, अभी कहाँ बताया SI मैंने, सही है। आपने क्या है, आपके पास SI हमारे पास की वैल्यू 0 डाल दी, सही है। ये आपके पास सेगमेंट इंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से, मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, SI हमारे पास क्या होता है, मैं इसको फाइंड भी कर लेता हूँ। ऐसा है जो है सेगमेंट इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, मुझे ध्यान से जो है कुछ चीज़ें निकल रही है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। खैर अभी आएगा ना, जब प्रोग्राम को रन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सही। इसकी आपने इनिशियलाइज कर दिया 0, आपने क्या किया VBX, आपने क्या किया VBX, ये रहा V, और BX हमारे पास क्या है, एरे है VBX, आपने बताई इसकी वैल्यू BX की वैल्यू आपने यहाँ पे बताई, इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी जिसको हम लिख सकते हैं, और इंक्रीमेंट किया BX के अंदर, BX के माने 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद क्या डिक्रीमेंट CL, अच्छा काउंटर जो है वहाँ पर CL का वो आपका डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, 5, 4, 3, 2, ये देखें CL है, CL की वैल्यू पड़ी है 5, ये होगा पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, और फिर 0 होगा, सही है। तो हमारे पास ये वैल्यू सर, नीचे CL की वैल्यू 0 लिखी हुई है सर। हाँ, कंपेयर करेगा ना वो, जब तक कि 0 ना हो जाए। देखें आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाले, लेट से आपके अकाउंट के अंदर 50 करोड़ रुपए, और 50 करोड़ रुपए आपके पास, बैंक वालों को पता कैसे लगे 0 हो गए। आप जब उस अकाउंट कंपेयर करेगा कि आपके अकाउंट का पैसा और 0 बराबर है या नहीं है, तो CMP के माने में कंपेयर करना, CMP के माने 0 जो डिजिट, 0 का जो डिजिट है इसकी जगह अगर कम डिजिट में हो, 3 हो, 4 हो, तो हाँ वो भी हो सकता है, मगर वो काउंटर पे रुक जाएगा आधे में, जितना आप लोग कहेंगे ना वो रुक जाएगा फिर वो, ठीक है मेरा बच्चा जी सर। अच्छा, जम नॉट, JNC को कहते हैं जम नॉट जीरो, सही है, जम जब तक जीरो ना हो चलते रहो, जम नॉट जीरो के माने जब तक जीरो ना हो चलते रहो और नेक्स्ट पे जाते रहो, सही है। तो नेक्स्ट क्या है, येरा नेक्स्ट, ये देखो येरा नेक्स्ट, येरा नेक्स्ट। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप इसको समझें और समझने के बाद आपको आसानी हो जाएगी। आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले इस प्रोग्राम का साइज बताया 256 bytes, ये पहली लाइन है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, जम स्टार्ट, आपने इसको इनिशियलाइज करने के लिए कहा, और वी DB की वैल्यू है 0 से लेकर 4 तक, आपने कह दिया कि एक वी वेरिएबल है, उसके अंदर जो है उसकी डेटाबेस के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, जो कि टोटल 5 वैल्यूज हैं 0 से लेकर 4 तक, सही है, ओके। अब हमने क्या किया, स्टार्ट करवाया, हमने कहा मूव CL,5, आपके पास काउंटर के अंदर आपने वैल्यू डाल दी 5, आपने काउंटर के अंदर इसकी वैल्यू CL के अंदर वैल्यू डाल दी 5, ये 5 इसमें से डालिए तो हम आगे जाके 5, 4, 3, 2, 1, 0, और ये 0 चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है, इसको कहते हैं JNZ, जंप नॉट 0, जब तक कि 0 ना हो चलता रहे, और ये नेक्स्ट के माने यहाँ जाए, यहाँ यानी यहाँ से उठ के यहाँ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ जाए, यहाँ से उठ के यहाँ जाए, ऐसे करता रहेगा वो। आपके पास क्या है, मूव AL,0, आपने इनिशियलाइज कर दी AL की वैल्यू 0, फिर आपने SI की वैल्यू जो है आपने इनिशियलाइज कर दी, वो भी 0 कर दी, सही। अब आपके पास क्या है, AL के अंदर क्या है, VBX की वैल्यूज है। सर ये SI की वैल्यू 0 क्यों होगी, इनिशियलाइज कर दी आपने, बता दिया, पुरानी कोई वैल्यू पड़ी भी हो उसको आपने रिप्लेस कर दिया, आपने कहा कि ये सब चीज़ें नई हैं,
जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं वो आपको बिल्कुल जीरो करके दे रहे होते हैं, यानी कि इनिशलाइज करके दे रहे होते हैं, उनकी वैल्यू बता रहे होते हैं, सही है। मगर पुरानी गाड़ी होगी तो उसमें क्या होगा, पुरानी गाड़ी का जो है स्पीडोमीटर चला हुआ होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, सही है। तो आपके पास ये तमाम चीज़ें, हाँ तमाम चीज़ें यूज होगी। मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ अच्छा भाई, इसने कंट्रोल वापस दे दिया आपको। इसमें ये कहा गया है आपके पास जो वैल्यू आई है सेगमेंट एस आई की वैल्यू, ये एस आई की सेगमेंट इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। एस आई किसको कहते हैं, यहाँ पे फ्लैग्स हैं, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये सोर्स है, ये नहीं सोर्स, अच्छा ऑक्सिलरी है हमारे पास, ये सारे रिश्वत बता देंगे, एफ पी एस टॉप कंडीशन, अच्छा ओके। उसके बाद है वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स के अंदर आएगा ये। तो आपके पास वैल्यू आ रही है वी की 00H, यानी कि पहले 5 हुई भी, 4 हुई भी, 3 हुई भी, 2 हुई भी, 0 हुई, अच्छा उसके बाद हुआ आप स्टैक की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, स्टैक की वैल्यू सारी आ गई यहाँ पर। सर ये वैल्यू जो आ रहे हैं स्क्रीन पे बिल्कुल बारीक ही नजर नहीं आ रहा सर। बेटा वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, देखते रहना यार, इसको चला चला के देखते रहना, सही है। तो आपके पास सेगमेंट इंस्ट्रक्शन है ऐसा है, उसकी वैल्यू 00 आ रही है हमारे पास, और ये 00 का मतलब यही है कि आपके ने इसको तमाम की तमाम चीज़ों को जीरो इनिशलाइज किया और वो ख़त्म भी हो गई। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपने जो वैल्यू डाली वो आपके पास ये वाली वैल्यू थी। इस प्रोग्राम को थोड़ा लंबा कर दूँ, आपने क्या किया, v की वैल्यू डाली है और इसकी वैल्यू बन रही है 4। आपने वेरिएबल्स के अंदर v की वैल्यू डाली है, उसकी वैल्यू बन रही है 4। मैं देखो वेरिएबल्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेरिएबल देखो v00, यानी कि वेरिएबल की आखिरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो 00 थी, ठीक है मेरा बेटा। आगे जा रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट किया, cl की वैल्यू हो गई 5। अब आपके पास cl जो है वह यहाँ होगा, काउंटर के अंदर पहली वैल्यू 5 4 3 2 1। अगर मैं स्टेप बैक करूं तो देखना यहाँ वैल्यू चेंज होगी, मेरी रिक्वेस्ट है सब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको स्टेप बैक कर रहा हूँ, सही है ये आपके पास, ठीक है ये ओके। सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये देखें, ये आ गई 4 आ गई वैल्यू, ये देखें यहाँ पर वैल्यू 4 आ गई। तो आपके पास ये वैल्यू, अब इसके बाद और पीछे किया आपने, और पीछे किया आपने, और पीछे किया आपने, सही है, ये देखें 3 आ गई वैल्यू, एल की वैल्यू 3 आ गई, और आपने स्टेप बैक किया, सी एक्स काउंटर 3 हो गया, और वैल्यू पीछे किया, बी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, सही है। देखें ये सारी वैल्यू जो है वो इससे लिंक हुई हुई है। फिर आपके पास ए एल की वैल्यू हो गई 0। अब ए एल के अंदर देखो ये हमारे पास वैल्यू है 0, अब आपके जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए एल की 0 ही होगी, ये देखो ये 0 वैल्यू है, इसका मतलब यह हुआ प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ देखो ए एल बी बी एक्स, बी एक्स के अंदर पहली वैल्यू है 0। अब मैं इसको एक एक स्टेप करके आगे चलाता जा रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1, बी एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट बी एक्स, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हमारे पास आगे जाके। काउंटर क्या है, सी एक्स 4, यानी कि काउंटर के माने ये वाली वैल्यू जो सी एक्स की है वो 4 है, यानी कि पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब मैं इसको एक और पीछे करूं, ये देखें सी एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है, ये देखें ये आपके पास वैल्यू, ये है सी, ये है एल और ये इसकी वैल्यू 5, क्लियर है, ये है सी, ये है एल और ये है 5, यहाँ देखें सी, ये है एल और ये 5, और ये देखो 1 2 3 4 5 वही है 5। डिक्रीमेंट के माने आखिर में सी एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, आखिर में सी एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब कंपेयर करवाएंगे, अगर सी एल की वैल्यू दोनों की 00 वैल्यूज हैं, अगर दोनों की 00 वैल्यूज हैं तो क्या करेगा वो, वो करेगा जम्प नॉट इक्वल टू जी, अगर इसका मतलब ये कि 0 के अलावा कोई नंबर है तो लूप में चला जाए, अगर 0 आ गए हमारे पास तो आप प्रोग्राम को एंड कर दें, वो वाली बात है। इस तरह से है, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप खाना खाते रहेंगे, मगर आपकी जेब में पैसे का ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप,
मिल जाएंगे। सही, आपको और चाहिए होंगे ना, तो जम नॉट जी के माने ये हैं कि आपके पास जब तक जीरो नहीं हो रहा आप खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, मगर जब जीरो हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं होगा, आप क्या करेंगे, बिल्कुल सर ऐसे चले जाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब आपने इसको समझना है। ओके मेरा बच्चा, अब ये देखो AL की वैल्यू क्या है, जीरो। आप माइक म्यूट कर दें। अच्छा अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप करके इसको चलाता जा रहा हूँ और आप अपना माइक म्यूट ही रखें ज़्यादा बेहतर है। अब हमने क्या किया, एक स्टेप आगे गए, यहाँ देखें सी एक्स की वैल्यू हो गई 4, ये 5 से हो गई कंप्यूटर 4 के अंदर हो गई। सही, इसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है 11115, इसका ऐसा है, हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हम अगले स्टेप पे गए, अगले स्टेप के अंदर चले गए हम, तो आपने क्या देखा कि आपके पास सी एल जो है वो 4 ही है, डी एक्स की वैल्यू हो गई 1। सही, जो बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और ए के अंदर वैल्यू हमारे पास 0 एज इट इज है। सही, इसका मतलब ये कि आपके पास जो वैल्यू है हमारे पास डी एक्स की वो 0 से हो गई 1। आगे चल रहे हैं, आपके पास क्या हुआ, सी एक्स की वैल्यू 4 ही, सी एल की वैल्यू 4 ही है। आगे गए, ए एल की वैल्यू हो गई 1, ये पहले 0 थी अब हो जाएगी 1, ये रहा ए एल की हो गई वैल्यू 1। जब ए एल की वैल्यू 1 हुई, इंक्रीमेंट हुआ बी एक्स, अब बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, क्यों 2 हो जाएगी वैल्यू, इस वजह से हो जाएगी 2 कि इसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट बी एक्स के माने क्या होते हैं, एक वैल्यू बढ़ेगी इसके अंदर। अब आपके पास सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, सी एल की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, काउंटर की वैल्यू 4 हो गई हमारे पास। हमने फिर इसको आगे लेके गए, आगे ले जाने के बाद आप देख लीजिए कि हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ दोबारा से डी एल के अंदर और आपके पास वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई। फिर हम आगे चल रहे हैं। अच्छा अब आप यहाँ देखिए कि काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 3, ये सी एल की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, सी एल की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, सी एल की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और 3 वैल्यू के अंदर यानी कि 5, 4, 3 इस तरह से वैल्यू हुई इसमें। सही है, आपके पास जो है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ही देखिए, नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया कि आपके पास ए एल की वैल्यू हो गई 1, बी एक्स की वैल्यू हो गई 2, सी एक्स की वैल्यू हो गई 3 और डी एक्स तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं। अब आप देखें ए एक्स की वैल्यू हो गई 3, ये लूप चल रहा है, मैं इससे हटा करके बता दूंगा आपको, ये इसको मैं हटाऊंगा और इसको समझा दूंगा डायरेक्ट में। ओके, अब आपके पास ये वैल्यूज चेंज हो रही है, बी एक्स की वैल्यू 3 हो गई, 2 हो गई, ओके ये देखिए 6 वैल्यू हो गई। एग्जीक्यूट करता रहेगा ये, एग्जीक्यूट करने के बाद जहाँ इसका काउंटर जो है कंपेयर करके 0 हो जाएगा, देखें 0 हो गया, ये यहाँ पे देखें 0 हो गया, वो ये रोक देगा ये। सही, इंटरप्ट 20H आ गया, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छुपा रहा हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। प्रोग्राम ने नंबर 1 256 बाइट के कोड को रिजर्व किया है, स्पेस को रिजर्व किया है, जब स्टार्ट किया वी हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो है हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4 5 वैल्यूज़ हैं। आपने इसको स्टार्ट किया, पहली बात ये काउंटर के अंदर आपने वैल्यू डाल दी 5, आपने काउंटर के अंदर वैल्यू डाल दी 5, ए एल के अंदर आपने वैल्यू डाल दी 0 और एस आई के अंदर सेगमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने वैल्यू डाल दी 0, इनिशियलाइज कर दिया उसको, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे पास लूप है, इसका मतलब ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट एक ही है, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट एक ही नेक्स्ट है लूप करने के लिए आगे भी चलने के लिए। अब हमने क्या किया, ऐड ए एल कॉमा, अब आपने क्या किया इसको ऐड करवाया ए एल कॉमा वी बी एक्स। अब वी बी एक्स के माने क्या हुए कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, आपके पास बी एक्स की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, ये सब वैल्यूज वहाँ पे आ रही है और ये ऐड हो रही है ए एल के साथ। ए एल क्या है हमारे पास, एक हमारे पास जो है रजिस्टर है उसकी लो वैल्यू क्या है, 0 है, 0 के अंदर ही ऐड हो रही है। इंक्रीमेंट करवाया बी एक्स, तो बी की वैल्यू आपने जो है बताई पहली 0 है, फिर क्या होगी 1 होगी, फिर क्या होगी 2 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 4 होगी, और आपके पास जब 4 के बाद आपके पास वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास। डिक्रीमेंट सी एल, सी एल की वैल्यूज क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी, यानी कि 5 हो गए, 4
फिर हो गया आपके पास तीन, फिर हो गया आपके पास दो, फिर हो गया आपके पास एक, फिर आपके पास हो गया जीरो, सही वैल्यूज हो गई सी एल की। ये कंपेयर कर रहा है, जब तक दोनों वैल्यू जीरो ना हो जाएं, जब तक के दोनों वैल्यू जीरो ना हो जाएं, आप बार बार लूप चलाते रहो। ये देखो आप लूप चलाते रहो, यानी यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो, और जब वो जीरो हो जाए तो बाहर निकाल दो। ये प्रोग्राम है हमारे पास लैब नंबर 3 का प्रोग्राम है। आप दफ़ा चलाएंगे इसको तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं, थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, मगर आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान है इसके अंदर। कोई सवाल जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, सही है? एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू एस्क, जी बोलिए। हाँ मेरा बेटा अजान है, मैं तो छुट्टी करना चाह रहा हूँ। सवाल पूछो, बताऊंगा भी छुट्टी कर दूंगा मैं। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है, बाकी वीडियो सर कैसे शेयर करेंगे आप? यही पे शेयर कराऊंगा गूगल क्लास पे, ठीक है जी सर। अब असाइनमेंट क्या है आपका? असाइनमेंट के अंदर आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्नैपशॉट लेना है, इसको समझाना है। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है वीडियो देखिएगा, समझा दीजिएगा, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है जमा करवा दीजिएगा। 12 बजे से पहले पहले आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सर से पहले वाला भी तो आपको तस्वीर भेजती है। मेरा बेटा मैंने कब मना किया, मैं तो कह रहा हूँ आप नंबर लो, ठीक है? डन। क्या कह रहे हैं, कट गई आवाज आपकी, क्या बोल? मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट्स हैं, आपके नंबर भी तो आप ही गए हैं। अच्छा सर, वो ये वाला भी करवा, 12 से पहले करवाना है? 12 से पहले करा दो, 5 मिनट भी लगे 2 मिनट लगेंगे, पहले में ये हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, चौथे में ही हो रहा है। मैं दोबारा चला के दिखा दूं उसे, इसको रन कर दूं सर। इसको भी कॉपी पे करना है सर, कॉपी पे। हाँ मेरा बेटा कॉपी पे करना है। देखो कंपाइल कर देता हूँ, ये लो कंपाइल हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या हो रही है आपके पास? ये हो गया 4 और 3 7 7 2 7 और 2 4 और 3 7 7 2 9 9 और 1 10, सही है। अब ये 10 के माने आ रहे हैं, 10 के माने क्या आ रहे हैं, 10 के माने ये आ रहे हैं कि इसके पास टोटल आ रहा है वो 10 नंबर आ रहे हैं, और 10 को हम कहते हैं ए। ये देखो ए, ये रहा, देखो ना, 4 में 3 7, 7 में 2 9 9 में 1 10, ये रहा 10, ठीक है मेरा बेटा। क्लास ऑफ करें, क्लास ऑफ करें। नहीं सर, बताएं आप, बताएं। क्या समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया सर, एक दफा दोबारा और रिपीट हो जाएगा ना, अच्छी बात है। ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं और एएल में जा रही है। देखो ऐड एएल कॉमा वीपीएक्स, तो एएल के अंदर तो जीरो पड़ा है ना। अब देखो 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10, जब आप 10 आएगा ना, 10 को कंपाइलर में क्या कहते हैं, कहते हैं ए कहते हैं। ये देखो ये रहा, ये जवाब है सर, ये देखो ये रहा, ठीक है मेरा बच्चा। छुट्टी करें जी सर जी, सही है, कोई मसला तो नहीं है, मसला तो नहीं है सर। असाइनमेंट ग्रुप पे शेयर करना है? ग्रुप पे नहीं करना, आपको असाइनमेंट जो मिला हुआ है उसी में रिटर्न करना है। नहीं, ग्रुप में ऐड कर दें सर, देख लें सर, असाइनमेंट साइन कर दिया। अच्छा, मैं एक और ओपन कर रहा हूँ, उसमें सारे असाइनमेंट आप मुझे भेज दें अभी के अभी। मैं एक और असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दफा जमा करवाती है तो दोबारा से वो जमा नहीं करता। ठीक है मेरा बेटा, ये मैंने ओपन कर दिया है। आप लोगों के पास माइक खराब है मुझे लगता है, ये मुझे हवा चलने की आवाज आती रहती है मुसलसल। ओके, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास असाइनमेंट है, इसके 5 नंबर हैं, और ये आ गया 5 नंबर, आपके पास ड्यू डेट आ गई,
ड्यू डेट मैं आपको डाल देता हूँ, ड्यू डेट है आज ही के दिन आपको रात 12 बजे तक आपने क्या करना है, जमा करवाना है। टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज लैब 3। ठीक है मेरा बेटा, ये बता दी मैंने आपको, आपके पास टाइम बता दिया रात 12 बजे तक, 5 नंबर का है पॉइंट, आज ही की डेट है, स्केड्यूल कर रहा हूँ मैं अभी और ये 8:20 पे लाइव हो जाएगा। दोबारा से भेज दो, ये दूसरा असाइनमेंट है लैब 3 है, ये लैब 3 है ना, ठीक है मैं इसको स्केड्यूल कर रहा हूँ, आप इसको लैब को समझाना है, आपने स्नैपशॉट ले लिया सबने सही, ये 8:20 पे लाइव हो जाएगा और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए वरना हम छुट्टी करें। ग्रुप में ऐड कर दें सर। बेटा ऐड तो कर दिया ये मैंने, तो ग्रुप में दे दिया ये, आप क्या कह रहे हैं मुझसे सर, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें गूगल क्लास में हैं आप? जी सर हूं इसमें है, व्हाट्सएप ग्रुप में भाई नंबर लेके ऐड कर दो ना अरसलान, आप अब्दुल रहमान सर चैट पे लिख दिया एडमिन है, आप एडमिन कौन है, एडमिन कौन है सर, शेरियार नाम का एडमिन है, मैं देख रहा हूँ मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके सर, सर मैंने भी अपना कमेंट में दिया है सर नंबर, तुम्हारा नंबर क्या है 0335755014। एक मिनट सर मेरा भी नंबर लिख दे सर, एक वक्त में एक ही करूंगा मैं, क्या हो गया तुम लोगों को, चले आप इनको कर ले फिर मुझे। यहाँ पे मैसेज आ गया अभी 114 वाले जो है, ठीक है, और आप बताइए क्या नाम है आपका दूसरे वाले भाई साहब, दूसरे नंबर पे है क्या है 0335 0135 0135 0135 0140 0140। सर सर ये गया ये, ठीक है जी जी जी, मैं सीआर का नंबर आपको मैं भेज देता हूँ, आप उसको जो है कहलवा के 279421। नहीं नहीं मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप जो है इसको ग्रुप में ऐड करवा लें, मैं बल्कि नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, जिनको जो है वो दिख नहीं रहा है वो नंबर लिख लें यहाँ पे, यहाँ देखें ये है ग्रुप एडमिन मोहम्मद शहरियार है, उनका नंबर है 0313 273 273 1861 1861। ये आपका एडमिन है मैं उसका, ये जरा आप करवा लें, यार माइक के बैठे सांस लेते हो तुम लोग, क्या 2731 ठीक है छुट्टी करें सर, अटेंडेंस लगाई नहीं क्या, अटेंडेंस नहीं सर पहले नहीं लगाई थी आपने, क्या हो गया नींद में तो नहीं हो,
सर शायद मैं लेट आया था शायद सर। देखिए अटेंडेंस जो है किस किस की आ गई है देखने जरा, ये मैंने ओपन कर दिया है। अली हैदर की लगी हुई अटेंडेंस, उसके बाद फहद अहमद की अटेंडेंस लगी हुई है, उसके बाद सर अहमद अली हुमैर अहमद मेरी भी होगी सर अब्दुल गफूर के नाम होगी अब्दुल। यार तुम लोग मुशा मुझे लगता है कुछ मसला है तुम्हारे, तुम आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रही है, बच्चों की तरह क्यों रिप्लाई करते हो यार? तुम लोग को जॉब करनी है या क्या करना है? मैं बाबा पूछता हूँ जॉब करनी है या बिजनेस करना है, करना क्या है तुम्हें पहले ये बताओ। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो अपने आप को फोकस लेके चलो, बच्चों की तरह नहीं एकदम बहक जाया करो। यहाँ देखो मैं नाम चला रहा हूँ, इसके अंदर तुम्हारा नाम है या नहीं है। अच्छा आप यहाँ देख लीजिए, वकार अख्तर की आ गई हमारे पास, असद आलम की आ गई हमारे पास, अहमद अली की आ गई सर, अब्दुलरहमान की भी होगी। फिर वही बात भाई, सुन लो सर क्या कह रहे हैं, पहले सुन लो भाई, सबर कर जाओ सर, नाम बता रहे हैं। तुम लोगों को मैं स्क्रीन दिख नहीं रही है, मोहम्मद अली की आ गई हमारे पास, मोहम्मद अनीस की आ गई, मोहम्मद अकील की आ गई, मोहम्मद अब्दुल रहमान जमील की आ गई, एहसन खान की आ गई, असद खान की आ गई, उसके बाद मोहम्मद अनस खान की आ गई, उस्मान खान की आ गई, शाहजेब किंग की आ गई, और फैसल मुर्तजा की आ गई, आसिम कासिम की आ गई, और अरसलानुद्दीन की आ गई, हम्माद उमर की आ गई, एस के वकास की आ गई, बस और किसी की अटेंडेंस नहीं आई है मेरे पास सर। लैब टू के नंबर भी सेंड डाल देना आपके हाथ। हाँ मैं डाल दूंगा मैं, चलो ओके चलो भाई सर, मेरा भी नंबर नहीं आया सर, अटेंडेंस डालो।